हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है माइनक्राफ्ट की एक न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली हार्डकोर के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं खाना खा लेता हूँ, ओके, क्योंकि भूख लगाई है, काफ़ी काम कर रहा था मैं। ओके गाइस, तो अभी मैं फर्स्ट पर्सन आ जाते हैं। ओके तो गाइस, अभी मैं फर्स्ट पर्सन आ चुका। और आपको बता दूँ कि जो अपना बैस की तैयारी है ना, वो मैं बस करने वाला हूँ, यानी बैस अपने बनने वाला है। मैंने प्रोटेक्शन हटा दिया है, यहाँ पर जो कुछ भी डर थी और जो अपना टेढ़ा मेरा प्रोटेक्शन था वो मैंने हटा दिया है इसी वजह से। और अभी यहाँ पे बैस बनने वाला है। तो गाइस, मैं एक बार आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग किस टाइप का बैस चाहते हैं, तो मैं उस टाइप का बनाऊँगा। अगर आप लोग कमेंट करके बता देते हैं तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं, तो मैंने वैसे भी सोच रखा है। चलो ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या बना रखा है, बना लिया है यानी कि। तो सबसे पहले मैंने ट्रेडिंग की जुगाड़ की है, यानी कि यहाँ पर मैंने बना लिया है एक बड़ा सा फार्म जो कि शुगर कैन का है, जिससे हम पेज और बुक बना पाएंगे। और फ्यूचर में इंचेंटमेंट टेबल भी हम इसी से बनाएंगे, इसीलिए मैंने ये बना लिया है। और फिलहाल तो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अभी मुझे करनी है ट्रेडिंग ब्लेजर्स से, तो उसके लिए बनाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर हमने एक कुआँ बनाया हुआ है जो कि हमारे पास इन्फिनाइट वाटर हो जाए इस वजह से। ओके, और उसके बाद मैं बताता हूँ आप लोगों को। और गाइस, मैंने यहाँ पर ये जो है ना, इनको मैक्स कर लिया है लोग, यानी कि इतनी ट्रेडिंग की ना मैंने, देखिए। ओके तो अभी ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए, तभी वापस से देने लगे हैं, तो एक सेकंड में ले लेता हूँ। ओके तो अभी मेरे पास है नहीं वो, तो मैंने इनसे काफ़ी ट्रेडिंग की है और उसका नतीजा ये निकला है। इन्होंने पहले तो मुझे डिस्काउंट दे दिया है क्योंकि 26 के एक एक कम कर दिया सब में। देखो, एक इमरल्ड का दे रहे हैं अभी ये सब। और अपने पास इमरल्ड कितने हो गए, 64/13। और ये मैंने इनके लिए नहीं किए हैं, ये मैंने किए हैं अपने प्यारे प्यारे, एक सेकेंड, रात हो गई क्या? चलो रात, तो ये लाइब्रेरियन के लिए, इससे मैं ट्रेडिंग करूँगा क्योंकि। तो अभी हम जल्दी से चलते हैं, सोते हैं चल के, क्योंकि रात वाई हार्ड कोर में सेफ नहीं है बिल्कुल भी। वैसे मैं बता दूँ कि अपने इस एरिया में कोई भी स्पॉन नहीं होता है, ये एकदम 100% सेफ है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं रात का इंतजार करूँ ना, तो कोई भी मूव अपने इस एरिया में स्पॉन नहीं होगा, इसके बाद स्पॉन होता है, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा टॉर्चिंग की हुई गाइस इस वजह से, तो इसका फ़ायदा है अपने पास। तो ओके, तो अभी इतनी रात हो चुकी है और यहाँ पे कोई भी स्पॉन नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊँ तो आँखें जरूर चमक रही होगी स्पाइडर्स की। तो अभी तो मुझे दिख भी नहीं रही है स्पाइडर्स की आँखें भी। ओके तो इधर दिखाता हूँ मैं आप लोगों को कि इधर जो भाई, एक सेकेंड, हाँ तो उधर एंडरमैन वगैरह आ चुके हैं। तो गाइस, अभी हम लोग वापस चलते सो जाते हैं क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा रात हो गई। ओके गाइस, तो एक सुबह हो चुकी है वापस से और आंखें चमचा रही हैं। चलो अभी ठीक हो गई। ओके गाइस, तो ये हो गया सुबह और अभी हम कंटिन्यू करते हैं ट्रेडिंग और इनसे मिलते हैं फिलहाल। ओके तो अभी वो लोग उधर हैं, अभी मैं देखता हूँ कि इसको क्या चाहिए है किसके बदले में। ओके ओके तो ये भाई सब आ गए हैं। ओके तो बुक सेल दे रहे हैं और पेज ले रहे हैं। भाई तुमसे मुझे मतलब नहीं है, मुझे कोई ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे इंचेंटमेंट टेबल दे। ओके तो इनके पास कुछ है नहीं क्या? ओके तो ये दे रहा है फ्लेम। ओके तो फायर एस्पेक्ट वाला किधर है, मुझे पहले उससे डील करनी है। फायर एस्पेक्ट वाला एक बंदा था, ये भी नहीं। ओके हाँ, स्माइट 4 वाला, पहले तो मुझे इससे डील करनी है। तो इसके लिए मुझे बनानी है एक बुक और उसके साथ 31 डायमंड इमरल्ड देने, उसके बाद हमें स्माइट 4 मिल जाएगी। तो गाइस, स्माइट 4 काफ़ी पावरफुल है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, तो मैं ये ले रहा हूँ। ओके तो अभी हम, ओ भाई निकल गया, अभी तुम बाहर आके तुमने गलती कर दी भाई, तुम्हें अंदर रहना चाहिए था। क्या करूँ अभी मैं, अभी मैं इसको दोबारा से अंदर डालना चाहता हूँ, बट जा अंदर जा। ओके तो चला गया, समझदार है, उसे पता है कि ये एरिया जो है उसके लिए सेफ नहीं है, तो वो चला गया। और अभी अपने पास मतलब भर के हैं यहाँ पे 64 और 3, इतने तो मैंने कलेक्ट कर लिए इस फार्म से। तो अभी हम क्या करने वाले हैं ना, कि सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल के पास चलते हैं और उसके बाद यहाँ पर मैं पहले बुक्स बना लेता हूँ। तो गाइस, बुक के लिए हमें लेदर और चाहिए होगा, तो ये प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे थोड़ी कि हमें लेदर चाहिए, तो अब हमें लेदर के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ठीक है, हम लेदर लेके आते हैं पहले, उसके बाद ही हम पंगा लेंगे।
यानी कि उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे। तो गाइस गधा हमको को देगा क्या, देखते हैं हम लोग। ओके तो गधा ने एक बुक का इंतजाम कर दिया, यानी कि एक एंचेंटमेंट आ गई अपने पास। और अभी हमें एक नहीं, हमें एंचेंटमेंट लेनी है दो तीन, तो उसके लिए अभी हमें थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी। ओके तो सामने घोड़े हैं, तो अभी हमें घोड़े की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली, तो अभी मैं मार दूंगा इनको। तो गाइस इस घोड़े ने तो धोखा दे दिया, हमें कुछ नहीं दिया इसने, और इस पर ट्राई मारता हूँ मैं। भाई दे दे यार, मुझे बहुत ज़रूरत है समझा कर बात को। ओके तो इसने एक ही साथ दो दे दी, उसने बोला ठीक है, उसने धोखा दिया था तो मैं वो धोखा पूरा कर देता हूँ, तो इसने दो दे दी। अभी तीन बुक ले लूँगा मैं। ओके गाइस तो अभी हम लेदर लेके आ चुके हैं, तो अभी हम बुक बना लेंगे। तो बुक भाई किधर गई, वापस से दिख जा, नहीं तो मुझे सर्च मारनी पड़ेगी। ओके तो ये बिना सर्च के नहीं आएगी क्या? ओके आ गई। ओके तो मैं तीन बुक बना लेता हूँ, क्योंकि अपने पास तीन ही लेदर हैं, तो अभी मैंने तीन बुक्स ही बनाई हैं, और अभी तीन बुक्स इतनी काफ़ी हैं, यानी कि इतने में अपना काम हो जाएगा। और अभी मैं ये सब यहाँ पे रख देता हूँ। ओके तो गाइस तो एक बंदा बाहर घूमने चला गया, अभी ये पता नहीं क्या करने वाला है, मुझे नहीं पता, ऊपर जा रहा है, बट कोई नहीं, हम अभी इससे ट्रेडिंग करते हैं। भाई मैं तो गलत जगह आ गया, मुझे यहाँ आना ही नहीं था, बट कोई नहीं, आ गए तो आ गए। अभी मैं इसको वापस से फिक्स करता हूँ। ओके अभी हम वापस से लाइब्रेरी की जगह चलते हैं, और अभी मैं यहाँ पे जल्दी से तोड़ता हूँ। और ओके अभी इनमें से देखते हैं कौन सा है बंदा जो हमको स्माइट दे रहा। लक ऑफ सी वन नहीं चाहिए, रख लो अपनी। और ये दे रहे हैं फायर एस्पेक्ट, अभी नहीं, अभी लूँगा, मतलब थोड़ी देर रुको। और ये प्रेसरिंग दे रहे हैं, और ये भाई साहब, भाई कोई अपना बंदा किधर गया जो अपने को अच्छी सी बुक दे रहा था। फ्लेम दे रहे हैं, ये भी ठीक ठाक दे रहे हैं। ओके गाइस तो स्मार्ट वाला बंदा हमें मिल चुका है, और मैं इसे एक बुक लूँगा केवल, ठीक है। तो मैंने एक स्मार्ट फोर की जो बुक है वो ले ली है, और अभी जो बाकी दो बुक हैं वो मैं यूज करूँगा फायर एस्पेक्ट लेने के लिए। एक सेकेंड, फायर एस्पेक्ट वाले भैया किधर गए? लक ऑफ सी बंद दे रहा है, लेकिन अभी मुझे लक ऑफ सी नहीं चाहिए, अभी मेरा लक इन्हीं के पास है। तो ये फ्लेम दे रहा है, सस्ती दे रहा है। ओके फायर एस्पेक्ट दे रहा है ये 19 की, तो मैं ये दो ले लेता हूँ। ओके तो मैंने एक ले ली, उसके बाद दो ले ली, तो फायर एस्पेक्ट 2 मैं बना दूंगा इनको। और अपने पास इमरल्ड बने के बच्चे केवल 8, तो जितनी ट्रेडिंग करनी थी ना, जितनी अपनी औकात थी ना ट्रेडिंग करने की, उतनी तो मैंने कर ली। और अभी हम इसको काटते हैं भाई, और अभी हम चलने वाले हैं सीधे, बनाएंगे एक एनविल बनाना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो अपने पास आयरन कितना है वो मैं देखता हूँ, और ये इमरल्ड मैं यहाँ पे रख देता हूँ, जो कि मैं बाद में ट्रेडिंग कर लूँगा। ओके गाइस तो ओके अपने पास हैं 50, एक्चुअली बाबा ने 50 नहीं, तो ज़्यादा ही है, तो मैं इनका सबसे पहले बना लेता हूँ। यहाँ पर बॉक्स बनाने पड़ेंगे, तो बॉक्स बनाता हूँ मैं। तो हमें तीन बॉक्स चाहिए, हो पाएगा क्या? ओके तो अभी तो हो गया ना, अभी जुगाड़ होगी सारी, और अभी देखते हैं कहाँ पे अपना एनविल। छोड़ो गाइस मैं सर्च करने का लफड़ाई ख़त्म कर लेता हूँ, मुझे एनविल की रेसिपी आती है गाइस। ओके और उसके बाद एक सेकेंड, ओके तो मुझे लगा ही था कि मुझे रेसिपी आती है, तो मैंने एक एनविल बना लिया है, और एक की ज़रूरत ही थी मुझे, तो मैंने एक बना लिया। और अभी मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे अभी कोई रूम नहीं है, बट ठीक है। और अभी मैं एक तलवार बना लेता हूँ अपने लिए, उस पर ही अपने सारे एन्चेंटमेंट लगने वाले हैं। तो स्टिक तो अभी मैं यहाँ से ही बना लूँगा। ओके तो स्टिक्स, ओके वुड है अपने पास, और स्टिक एक सेकेंड में इसके चक्कर पड़ूंगा, बहुत टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ। ओके तो एक ही शॉट बना रहे हैं हम लोग, तो इतना ही काफ़ी है, और उसके बाद ये एक शॉट अपनी तैयार हो गई। ओके और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, और उसके बाद अपने पास 21 लेवल हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना आराम से काम हो जाएगा।
तो पहले तो मैं लगाता हूँ, एक सेकेंड, पहले मैं फायर एस्पेक्ट 2 कर लेता हूँ, लेवल 2। ओके, तो फायर एस्पेक्ट 1, फायर एस्पेक्ट 1, लेवल 2। ओके, और उसके बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पे स्माइट 4। वैसे फायर एस्पेक्ट की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इसमें, बट ठीक है, स्माइट 4 तो हो गया इस पर, और अभी मैं फायर एस्पेक्ट लगा लेता हूँ। वैसे स्माइट 4 पर ज़रूरत नहीं रहती है, बट ठीक है। ओके, तो अभी जो है अपने पास एक ख़तरनाक सी शॉट आ चुकी है। ओके, डायमंड की शॉट जिसमें लगा हुआ है स्माइट 4 और फायर एस्पेक्ट 2। ओके, तो गाइस ये तो मैंने, एक सेकेंड, काफ़ी जल्दी डैमेज नहीं हो रहा है। चलो कोई नहीं, अभी मैं इसको वापस से रख देता हूँ इसी में, क्योंकि ये चेस्ट अपनी अलग है सबसे, और इसमें मैं महंगे महंगे आइटम ही रखता हूँ, उसे दिख नहीं रहे हैं। चलो कोई नहीं, मैंने अभी घोषणा कर दी, अभी इसे मैं रखा करूँगा। ओके, तो अभी हमने सोल बना ली, अभी मैंने ट्रेडिंग भी कर ली है, और अभी मेरा काम क्या है ना, कि अभी तो मैं पहले तो स्टिक्स बनाऊंगा, ठीक है। तो अपने पास जितनी वो है ना, उतनी की मैं स्टिक बना लूँगा, वुड, और स्टिक से ट्रेडिंग करूँगा, ये मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा, ठीक है। तो मैं स्टिक बना लेता हूँ सारी। ओके, तो इतनी बन गई अपने पास, पहले से थी, मैंने गलत बनाई, चलो कोई नहीं। ओके, 51 हो गई है, और अभी मैं इमरल्ड मैंने रख दिया है, इमरल्ड। ओके, तो अभी हम इसमें से और ट्रेडिंग कर लेते हैं, चलो बाद में कर लूँगा। ओके, तो फिलहाल ठीक है, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बैस बनाने वाले हैं। तो बैस कमेंट में ज़रूर बता देना किस टाइप का होना चाहिए। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।